बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप लोग यार जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजोरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर मोबाइल थोड़ा नीचे मतदान होने हैं, 36 में से 30 से अधिक वोट इंडिया के पास है और 14 से 15 वोट भाजपा के पास है। और रुक जाओ यार, जिसे खड़े होना इंडिया के लिए नीचे जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने मेरा जो कैमरा टूट रहा है, एक टायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी कंडे अपना रही है। पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शन को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा, मैं अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनावी रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए।